शुरुआत करते हैं आज के मुद्दे के साथ और जानते हैं कि क्या है वो समस्या जिसे हमने बनाया है हमारा आज का इशू। भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली में जहां पुरुषों से लेकर महिलाओं तक सभी को दिया गया है समान अधिकारों का हक, वहां आज भी चाहे बात एक अनपढ़ महिला की हो या फिर पढ़ी लिखी महिलाओं की, अपने अधिकारों को लेकर इनकी जागरूकता न के बराबर है। और अगर बात हो संपत्ति से जुड़े अधिकारों की, तो अमूमन भारतीय महिलाएं इन्हें इस्तेमाल करना तो दूर बल्कि जानने में भी संकोच करती हैं। आइए जानते हैं क्यों। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी महिलाओं को लेके प्रॉपर्टी रिलेटेड राइट्स है, महिलाओं को लेके दिया गया है, बट वो अभी भी उसको नहीं यूज़ कर पाती है क्योंकि अभी भी उसके फैमिली उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, उसको जिस चीज़ को बुरा माना जाता है और सोसाइटी भी उसको मतलब ठीक नज़र से नहीं देखते हैं, उसको बुरा मानते हैं एक महिला अगर सामने आए प्रॉपर्टी, अपने प्रॉपर्टी रिलेटेड राइट्स को लेके। भारतीय संविधान के हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में महिलाओं को प्रॉपर्टी से जुड़े कई अधिकार दिए गए हैं, जिनमें साल 2005 तक कई बार संशोधन भी किए गए। इस एक्ट के अनुसार महिलाओं को उनकी पैतृक संपत्ति या जमीन जायदाद में बराबरी का हक दिया गया है। शादी के बाद किसी कारणवश तलाक की स्थिति में महिलाएं अपने गुजारे भत्ते के लिए क्लेम कर सकती हैं। पति के गुजर जाने की स्थिति में उसकी संपत्ति पर महिला और उसके बच्चों का हक होगा। महिलाएं अपनी अर्जित संपत्ति को अपने अनुसार खरीद या बेच सकती हैं। पिता की डेथ के बाद सारे बच्चों के इक्वल राइट्स बच्चों को मिलते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। इसी तरह उसके हस्बैंड की प्रॉपर्टी में भी उसके इक्वल राइट्स होते हैं। जिस समय लड़की सप्तपदी सात फेरे लेती है उसके बाद उसी समय से उसके राइट शुरू हो जाते हैं हस्बैंड की प्रॉपर्टी में। हस्बैंड अलाइव है तो भी उसके शेयर्स 50% होते हैं और उसके डेथ के बाद उसके और उसके बच्चों के राइट्स इक्वली उसको मिलते हैं। आज की महिलाएं अपने प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर इतनी अवेयर नहीं है, उसके लिए उन्हें आगे आना चाहिए। कोर्ट में काफ़ी सेल्स बनाए हुए हैं, लोक अदालतें लगाई जाती हैं समय समय पर, अगर उसके उससे संपर्क किया जाए महिलाओं को तो काफ़ी जागरूकता मिलेगी और उसके अलावा उनको अपने अधिकार और अपनी संपत्ति के बारे में जो पिता से मिलती है, पुश्तैनी संपत्ति होती है और आने अपने ससुराल में मिलती है, उसके बारे में काफी जानकारी प्राप्त हो सके। बहरहाल आज जहां हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ आज भी समाज के कुछ ऐसे पहलू हैं जो एक महिला को उसके अधिकारों से वंचित करते हैं। ऐसे में ये एक बड़ा सवाल है कि क्या एक लोकतांत्रिक समाज में वाकई समानता का दर्जा पा रही है देश की आधी आबादी। इसी विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हमने बातचीत की हमारे एक्सपर्ट से। शशि जी, आज महिलाएं अपनी प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर कितनी जागरूक हैं? महिलाएं अभी पूरी तरह से अपने प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर जागरूक नहीं है। अवेयरनेस की बड़ी ज़रूरत है, जागरूकता की बहुत ज़रूरत है महिलाओं के लिए। पढ़ी लिखी जो लेडीज़ हैं वो भी लॉ के बारे में अभी ज़्यादा अवेयर नहीं है। इलिटरेट लेडीज़ जो गाँव में रहती हैं उनका तो उनको तो छोड़ ही दीजिए, अभी पढ़ी लिखी जो लड़कियां हैं वो भी अभी अपनी प्रॉपर्टीज के राइट्स के बारे में अवेयर नहीं है। पिता की संपत्ति में शादी से पहले या शादी के बाद एक लड़की का क्या अधिकार है? पिता की संपत्ति पर 1956 के बाद लड़कियों को बहुत अधिकार मिले हैं। घर पे उनका राइट नहीं है बट राइट ऑफ रेजिडेंस उनका है, उसमें वो एब्सोल्यूट ओनर नहीं हो सकती, पूरी तरह मालिक नहीं हो सकती, लेकिन खेती बाड़ी की जो जमीन में है 1956 में अमेंडमेंट के बाद उनको पूरा ओनर मालिक बना दिया गया है। तलाक की स्थिति में एक महिला को प्रॉपर्टी से जुड़े क्या अधिकार दिए गए हैं? तलाक की स्थिति में महिलाओं को अगर उनका तलाक हो जाता है तो तलाक के बाद महिलाओं का कोई अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी पर किसी पर कोई राइट नहीं है, उसके बच्चों का पूरा राइट होता है। अगर तलाक के बिना हस्बैंड को कुछ हो जाता है तो जो हस्बैंड का जो शेयर होता है वो वाइफ को और बच्चों को इक्वल शेयर में जाता है, और जो वाइफ का शेयर होता है शी विल उसकी वो पूरी एब्सोल्यूट ओनर, पूरी तरह मालिक होती है, उसको उसको बेचने का भी हक होता है और उसको कुछ भी करने का हक होता है, किसी को दे सकती है बेच सकती है। शशि जी, अपनी संपत्ति से जुड़े अधिकारों को लेकर एक महिला का जागरूक होना कितना जरूरी मानती हैं आप? महिलाओं को अपने अधिकारों को लेकर के प्रॉपर्टी के मामले में पूरी तरह जागरूक होना चाहिए, उनको एटलीस्ट
किताबें मिलती हैं और एटलीस्ट अखबार न्यूज़पेपर जो पढ़ी लिखी लेडीज हैं उनको न्यूज़पेपर तो जरूर पढ़ना चाहिए और उसमें सारे अधिकारों के बारे में कभी ना कभी आता रहता है, अमेंडमेंट्स के बारे में भी आता रहता है और जागरूकता के लिए उनको अपने राइट्स प्रॉपर्टी के लिए किसी भी लॉयर से वो कंसल्ट कर सकती हैं, पूछ सकती हैं। और जहाँ तक विलेजेस की बात है उसके लिए जो लॉयर्स होते हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका एक एक ग्रुप उनको जाना चाहिए वहां पर और उनको उनके अधिकारों के बारे में कि उनके क्योंकि वास्तव में गांव में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है, उनको नहीं पता कि क्या हमारे अधिकार हैं प्रॉपर्टी को लेके, हमारे कहाँ हक हैं, उनको सच में नहीं पता। और अभी कोशिश बहुत की जा रही है, आजकल कोर्स भी लग रही हैं वहां पर गांव में जा जा करके, तो एक एक ग्रुप जाए क्योंकि लॉयर्स के अलावा एक लेमैन तो अधिकारों के बारे में नहीं बताएगा। प्रॉपर्टी से जुड़े अधिकारों के ना मिलने पर एक महिला को क्या कदम उठाना चाहिए? अगर कोई भी लेडीज फिर भी अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहती है और स्ट्रांग है, उसको लगता है कि मैं लड़ पाऊंगी अपने घर से भी, फादर की प्रॉपर्टी में से भी और ससुराल में से भी जो भी हस्बैंड के बाद उसके हक में आती है, तो उसको उसके लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए, उसे कोर्ट में जाना चाहिए, अपने हक के लिए उसको लड़ाई लड़नी चाहिए क्योंकि फादर की प्रॉपर्टी में भी उसका हिस्सा है और अगर हस्बैंड छोड़ जाता है प्रॉपर्टी पीछे से तो हस्बैंड की प्रॉपर्टी में उसका बराबर का हिस्सा है, तो उसको कोर्ट में जाके अपने हक के लिए पूरी लड़ाई लड़नी चाहिए और उसको हक मिलेगा। इसी के साथ आधी आबादी में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।